हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा जो एक्सरसाइज है 7.4, ठीक है, इंटीग्रेशन का जो चैप्टर 7 है 7.4, उसे हम पूरा सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर और बाकी एक्सरसाइज करा रखे हैं, जिनकी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, 7.4 करने के लिए आपको 7.3 के जो बेसिक्स फार्मूले थे, एक्चुअली फार्मूला अगर आपको आता है तो ये चीज़ सारी आसान है, अगर फार्मूला नहीं आता है तो ये आपको बहुत टफ लगेंगी। तो मेरा हमेशा यही बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट तो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तभी आसान लगेगी जब आपको फार्मूला याद रहेंगे। ओके, तो चलिए हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस, यानी कि हमें परिमेय संख्याओं का समाकलन करना है। आई बस में हमें परिमेय संख्याओं का समाकलन करना है, और ये हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखो इंटीग्रेशन क्या है, ऊपर क्या है 3x² अपॉन में क्या है x^6+1। तो इसमें दो चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं कि हम किसका डेरिवेटिव कर, किसको हम लेट करेंगे उसका हमें डेरिवेटिव ऊपर मिले। तो देखो, इस गिवन इंटीग्रेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये तो चलो वैसे का वैसे है, अपॉन x^6 को लिख सकते हैं हम x³² + 1 लिख सकते हैं। अब देखो, x³ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, x³ का डेरिवेटिव क्या होता है 3x² पूरा मौजूद है। तो लेट t = क्या x³, यहाँ क्या है dx, तो आपको dt/dx करना होगा। तो यहाँ से क्या जाएगा 3x², यानी कि dt = क्या हो जाएगा 3x² dx, ठीक है। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट अप करो, सो गिवन इंटीग्रेशन चेंज होकर क्या हो जाएगा, देखो 3x² dx की जगह हमें क्या रखना है dt, सो ऊपर बन के dt, और इसके जगह पर हमने क्या लेट किया था t, तो t, और यहाँ क्या है स्क्वायर, तो t², और यहाँ 1 है, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये फार्मूला बन गया, फार्मूला कौन सा बन गया आपको पता ही होगा, dx/x² + a² वाला फार्मूला बन गया। तो उसका फॉर क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, यही फार्मूला होता है। और बाद में हम c ऐड कर देते हैं इंटीग्रेशन के बाद, c हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। तो देखिए, फार्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, है कि नहीं, बिना फार्मूले के काम नहीं बनने वाला। तो फार्मूला से खोल देंगे तो a^+ पे देखो यहाँ कॉन्स्टेंट के 1 है, तो 1/1, फिर क्या आ जाएगा tan इनवर्स, अब यहाँ t है अपॉन 1+c, यानी कि tan इनवर्स t+c, t की वैल्यू क्या है x³, यहाँ पुट कर दूँ, क्योंकि क्वेश्चन हमारा x में दे रखा, तो मैं आंसर भी मैं x में ही छोड़ना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स x³+c आंसर। और आपको यहाँ पर बताना ज़रूरी है वेयर c = इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। ठीक, ये हर क्वेश्चन में लिखेंगे आप, मैंने तो एक बार लिख दिया, अब किसे मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन करने के बाद आपको बताना ज़रूरी होगा कि सी क्या है, सी हमारा क्या है इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आराम से हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर, ऐसे हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2nd क्वेश्चन, तो देखो यहाँ पर x हमारा वेरिएबल है, और वेरिएबल के साथ क्या लगाएं कांस्टेंट। तो सबसे पहली दिक्कत हमारी, ये कांस्टेंट है, इसको हमें यहाँ से हटाना है। तो ऊपर तो देखो 1 है, चलो ठीक है, 1 के अपॉन में क्या है, मुझे इस 4 को हटाना है, तो मैं 4 को क्या करूँगा कॉमन निकालूँगा। यहाँ पर 4 नहीं है, तो 1/4 हो जाएगा, और यहाँ x², ऊपर क्या है dx, 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा 2 हो जाएगा, 1/2 लिख सकते हैं हम, ऊपर क्या है dx, और अंडर रूट के अंदर x² 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला बन गया x² + a² रूट वाला, ठीक है। और इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता ही होगा, अंडर रूट dx/√x² + a², फार्मूला क्या होता है लॉग मॉडुलस के अंदर x + √x² + a², ये फॉर्मूला होता है, और प्लस सी ऐड करते हैं।
तो देखो यहाँ पर x के प्लेस पे तो x है और a के प्लेस पे 1/2। सॉल्व करो, 1/2 तो ऑलरेडी बाहर था, ठीक है। तो यहाँ से क्या लगेगा, log x प्लस अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा, वही चीज़। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, यानी कि यही चीज़ आ जाएगी अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस सी। अब आपकी मर्जी है, यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो या फिर थोड़ा सा और सॉल्व करके रख दो, तो मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। चाहे तो आप यहाँ से 4 LCM लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उतना करने की ज़रूरत नहीं, मैं तो कहूँगा यहीं पर छोड़ो आप। तो ये सेकंड क्वेश्चन में हमारा हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन में नोट करने वाली क्या चीज़ थी कि वेरिएबल के साथ कांस्टेंट था, तो सबसे पहले हमें कांस्टेंट को बाहर निकालना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर भी हो गया। अब आओ थर्ड पे। देखो थर्ड क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, एक तो इस वाले टर्म को टी लेट करके हम कर रहा हूँ, ठीक है, वो सभी कराते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगा क्योंकि हमें इंडिकेशन आगे भी यूज़ करनी है, तो सिंप्लीफिकेशन तरीका ही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सिंप्लीफिकेशन तरीका ये है कि कभी भी अगर अंदर चाहे कुछ भी इक्वेशन क्यों नहीं, अगर वो इक्वेशन x के फॉर्म टर्म में लीनियर इक्वेशन है, देखो 2-x एक लीनियर इक्वेशन है ना, तो ये इक्वेशन एज ए x के तरह ही बिहेव करेगा, नॉर्मल x की तरह। बस कोफिशेंटों का हम ध्यान रखना है। तो यानी कि ये कुल मिला के किस फॉर्म में है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में। ये x के प्लस पे क्या है हमारा 2-x और a के प्लस पे क्या है 1 है, ठीक। ये चीज़ है हमारे पास, तो आपको फार्मूला पता ही होगा। फार्मूला क्या होता है हमारा, इसका अभी मैंने आपको लिखाया था, log मॉडुलस के अंदर x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फार्मूला होता है प्लस c। अब देखो यहाँ से, तो log मॉडुलस के अंदर x, x के प्लस पे क्या है 2-x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, यानी कि ये देखो 2-x है, 2-x का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस c। अब एक चीज़ ये देखनी है, अपॉन में क्या लगेगा, x का कोएफिशिएंट कितना था यहाँ पर माइनस, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। हमेशा जो x का कोएफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाते हैं इंटीग्रेशन में, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं माइनस के log 2-x, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, प्लस अंडर रूट पे क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 प्लस c, 4 और 4 और 1 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के log, ठीक है, यहाँ से 2-x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 5 प्लस c, वेयर सी इज इंटीग्रल कॉन्स्टेंट, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया हमारा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फोर में, फिर से वही चीज़, वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कॉन्स्टेंट है, तो सबसे पहले किसको हटाना है, कॉन्स्टेंट को हटाना है, तो 1 अपॉन अंडर रूट है, तो किसको बाहर निकालते हैं 25 को, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 अपॉन 25, क्योंकि यहाँ 25 कॉमन ही नहीं है, तो अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 25 रूट से बाहर आएगा तो 5 आएगा, तो 1/5 इंटीग्रेशन, यहाँ डी एक्स छूट गया था, अपॉन 9 अपॉन 25 इसको हम लिख सकते हैं 3/5 का स्क्वायर, और ये है एक्स स्क्वायर। फार्मूला बन गया। देखिए फार्मूला तो आपको याद ही रखना होगा, किस रूप का फार्मूला बनना है, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, शाइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, एक्स के प्लेस पे एक्स है और ए के प्लेस पे 3/5, 1/5 शाइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे एक्स और ए के प्लेस पे 3/5 प्लस सी, तो ढंग से लिख लेते हैं 1/5 साइन इनवर्स आंसर, या अपॉन में ये ऊपर आ जाता है ना, ये चीज़ यहाँ पर। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा फोर। बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या है,
कि देखो x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 2, और x की पावर 2 का डेरिवेटिव x वेरिएबल मौजूद है, आपको कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, कांस्टेंट मिले ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वेरिएबल मिलना चाहिए जो कि मिल रहा है, लेकिन ये 2 हमें दिक्कत कर रहा है। तो सबसे पहले इस 2 को हटाऊँगा, वेरिएबल को फ्री करो कांस्टेंट से। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ये 3 ऊपर से बाहर आ गया और 2 यहाँ से कॉमन निकाल दूँ, तो यहाँ बाहर आ गया, ऊपर क्या बचा एक्स 3x, नीचे बचा 2, जब कॉमन निकालूँगा तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा x की पावर 4। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे क्या करना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, डेरिवेटिव करेंगे तो 2x dx इक्वल्स टू dt। तो हमें तो x dx चाहिए, यानी कि x dx हमारे पास क्या होगा, dt by 2। अब ये वैल्यूज हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पर। सो गिवन इंटीग्रल चेंज होकर क्या हो जाएगा, 3/2 तो ऑलरेडी था, x dx के जहाँ पर क्या है dt by 2, dt और by 2 मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ। ठीक है, 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 1/√2 का होल स्क्वायर, और जगह पर क्या रखना हमने टी, तो टी का स्क्वायर फार्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, यहाँ तो 3/4 है और इसका फार्मूला क्या होता है, 1/a टेन इनवर्स टी अपॉन ए। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, अंडर रूट 2 पर चला जाएगा, सो 3√2/4 टेन इनवर्स अंडर रूट 2t प्लस सी। अब की प्लस पे वैल्यू लग दो क्योंकि आंसर हमें x के फॉर्म में छोड़ना है, सो वैल्यू पुट कर देंगे, सॉरी t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गए हैं आराम से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत ही सिंपल है, दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज 1 एंड एक्स क्यूब का स्क्वायर। अब इसको लेट करोगे आराम से मिल रहा है उसका डेरिवेटिव, भले ही कांस्टेंट टर्म नहीं है बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेट टी इक्वल्स टू एक्स क्यूब, सो दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो डी टी, और इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स, यानी कि dt अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसकी प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, dt अपॉन 3 रखो, सो गिवन इंटीग्रल चेंज होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर dt अपॉन का 3 इधर रख दो, एंड 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा t का स्क्वायर। फॉर्मूला बन गया, फार्मूला बन गया ना क्वेश्चन नंबर 6 में, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग खोल दो, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 1/3 तो बाहर है, फार्मूला बनता है 1/2a, ए के प्लेस पे 1 इंटू, यहाँ आएगा नहीं तो मैं आगे लिख दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, इंटू में log a प्लस एक्स, यानी कि 1 प्लस टी, फिर होता है a माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस टी प्लस सी। अब टी के प्लस पे वैल्यू पुट कर दो जो आपने लेट किया था, तो यहाँ से आ जा रहा है 1/6 log टी के प्लस पे क्या रखना है एक्स क्यूब, बस जो प्रीवियस फार्मूले हैं वो आपको आने चाहिए, क्योंकि फार्मूले के बिना आपका आंसर ही नहीं आएगा, तो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन अब क्या होगा, देखो अब क्या ये टर्म है, यहाँ पर एक टर्म नहीं है, अब तक हमारे सिर्फ एक्स स्क्वायर समथिंग जो भी था एक एक टर्म था, अब ऊपर एक से ज़्यादा टर्म है, दो टर्म है, तो जब बेसिक आए आपको क्या करना है, अलग अलग ले लेना है। सो ये चीज़ हम इसको ऐसे ले सकते हैं, अलग अलग इंटीग्रेशन अलग अलग ले लो, ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन ले लिया।
अब इसको आप I1 मान लो एंड इसको आप I2 मान लो, ये तो देखो क्लियरली फार्मूला बन के दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x मौजूद है, तो आराम से हो जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, पहले I1 सॉल्व करते हैं। I1 इंटीग्रेशन है x dx रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं उसी टाइप से समझाऊँ, थोड़ा सा अलग से समझा देता हूँ, क्योंकि इस पूरे को लेट कर लेते हैं। लेट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर टू डी, डेरिवेटिव करो 2x, 1 का तो जीरो हो जाएगा, 2x dx इक्वल टू dt। सो x dx स्क्वायर टू dt बाई टू, वैल्यू पुट करो यहाँ से, तो यहाँ से dt अपॉन में क्या है 2, और यहाँ अंडर रूट के अंदर इसकी जगह पे क्या रखना है t, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी 1/2, बाहर आ गया अंडर रूट टी ऊपर जाए, अंडर रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, तो नीचे पावर में प्लस का है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। अब एक्स की पावर एन के रूप में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा टी की पावर माइनस हाफ प्लस वन। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 टी की पावर हाफ अपॉन हाफ सी, तो देखो इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कट, टी की प्लस वैल्यू पुट कर देंगे, सो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी आंसर। एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारा इंटीग्रेशन का आंसर होता है वो अलग अलग भी आ सकते हैं। अगर हम तरीका डिफरेंट यूज़ करें, एल्जेब्रिक वे दूसरा यूज़ करें, तो हमारा दूसरा रिजल्ट दूसरा आंसर मिल सकते हैं। सो ये मत सोचना कि आपको हमेशा मैच ही करना है आंसर पीछे एनसीईआरटी के, कभी कभी अगर आप दूसरा अप्रोच रखेंगे तो आंसर क्या पता मैच ना हो, लेकिन आपका तरीका सही होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये तो और भी आसान प्रॉब्लम है। सो एक्स स्क्वायर है या एक्स की पावर 6 है, आपको पता चल गया होगा कि क्या करना है। एक्स स्क्वायर है इसलिए एक्स क्यूब के फॉर्म में बनाना है, ठीक। अब इसको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा दोनों तरफ डेरिवेटिव 3x² dx dt, एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा dt अपॉन 3। अब ये वैल्यूज हम यहाँ रख देंगे, सो गिवन इंटीग्रल चेंज हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर dt बाई 3, तो यानी कि 3 बार रखूँ अपॉन अंडर रूट के अंदर यहाँ से t स्क्वायर, एक ही पावर 6 को लिख सकते हम a क्यूब का स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन गया है ना, फार्मूला बन गया। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में फार्मूला बना है, और इस फार्मूला को मैंने अभी लिखवाया था, लॉग में आता है लॉग प्लस के अंदर टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ तो ए स्क्वायर की जगह पर कितना है ए की पावर 6 प्लस सी, टी के प्लस वैल्यू पुट कर दो और फिर आपका आंसर आ जाएगा। टी स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 3 को 2 बार करेंगे तो एक्स की पावर 6 आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा आराम से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दे रखा है, 10x का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा होगा आपको, सो जो गिवन इंटीग्रेशन है उसे हम लिख सकते हैं टेन एक्स का होल स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर डीएक्स, ठीक। 10x को लेट करने से मिल रहा डेरिवेटिव ऊपर, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर देंगे तो डी टी स्क्वायर टू शेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, वैल्यू पुट अप करोगे तो चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे क्या है देखो डी टी, तो ऊपर तो आ जाएगा डी टी, नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर, ये फार्मूला बन के फिर से वही फार्मूला लगेगा, तो क्या होता है हमारा फार्मूला लॉग टी अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 4
प्लस सी, टी के प्लस वैल्यू पुट कर दूँ, टी के प्लस वैल्यू पुट कर, टी कितना हमारा 10x, आंसर ठीक है। तो बस स्टेप्स को फॉलो करने और फॉर्मूला याद रखना और आपको आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। अब आ जाओ 10वें प्रॉब्लम पे। तो इस प्रॉब्लम पे हमको क्या करना है, जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे ना तो आपको उसको परफेक्ट इक्वेशन बनाना होता है। हमेशा याद रखना आप उसको परफेक्ट इक्वेशन बनाना होता है। सो ये जो गिवन इंडिकेशन है इसको हम देखो कैसे लिख सकते हैं। यहाँ से दिख रहा होगा आपको ए का स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर प्लस 1, इस 2 को मैंने ब्रेक कर दिया और ये क्या बना रहा है, एक परफेक्ट इक्वेशन dx अपॉन, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से लेकर ये टर्म, और 1 क्या है, 1 का स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था कि कभी भी लीनियर इक्वेशन होती है उसे हम x की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो ये फॉर्मूला किस रूप में बना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मॉडुलस के अंदर x, ये x की जगह पर x प्लस 1 है, प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये चीज प्लस सी। थोड़ा और सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने पे तो हमें यही मिलने वाला है ना, तो यही चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2 प्लस सी, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये भी हो गया हमारा प्रॉब्लम ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 11। सेम प्रॉब्लम है, सेम टाइप का है, आपको क्या करना पड़े, इसको परफेक्ट इक्वेशन बनाना है। तो देखो परफेक्ट इक्वेशन अगर बनाना नहीं आता है इस टाइप की प्रॉब्लम में, आपको पता नहीं चल पाएगा, तो क्या करना होता है, इसे इक्वेशन 1 मान के चलो, 9x² 6x 5 ये ले लिया, आपको क्या करना है, इसे इक्वल टू 0 मान लो फिलहाल के लिए। अभी देखो 9x को लिख सकते हम 3x का स्क्वायर, ये 6x है और ये 5 है, इक्वल टू 0। ये जो टर्म होता है x का, ये टर्म होता है 2ab का टर्म, और 2ab किसके इक्वल है, x के इक्वल, और हमारा ये जो टर्म होता है वो a होता है, 2a के प्लस पे क्या है हमारा 3x, इधर क्या है 6x, 2 3 6x से 6x कैंसिल, यानी कि b हमारे पास कितना है 1। अब हमें क्या करना होता है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बी स्क्वायर ठीक है, एक बार ऐड करना होता है और एक बार बी स्क्वायर को माइनस करना होता है, यानी कि 3x ये चीज़ है 6x, बी स्क्वायर हमारे पास कितना है, देखो गड़बड़ तो हम नहीं कर रहे हैं, फिर से एक बार देख लो, 6x था, ए की वैल्यू 3x हमने पुट की, 6x, बी हमारे पास 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो बी स्क्वायर को ऐड करना है और बी स्क्वायर को माइनस, यानी कि 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 5 था, ऐड किया और 1 फिर माइनस कर दिया 0। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक परफेक्ट इक्वेशन बनता है, यानी कि ये 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और 5 माइनस 1 यहाँ कितना जगह 4, यानी कि इसको लिख सकते हम 2 का स्क्वायर ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई, यानी ये चीज़ हम इस जगह पर लिखेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो किस रूप में आ जाएगा, dx अपॉन 3x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन, ये x के प्लेस पे बिहेव करता है क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, और अपॉन में क्या आएगा, जो x का कोएफिशिएंट है, कितना x का कोएफिशिएंट 3, ये अपॉन में आ जाएगा प्लस c। अब भैया थोड़ा सॉल्व कर लो ठीक है, ये तो एंगल में है ये चीज़, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 1/2 बार ये देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा ठीक।
तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया आराम से। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमें ऐसे ही करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म माइनस है, तो आपको पहले रूट के अंदर माइनस कॉमन निकालो और फिर इसको परफेक्ट इक्वेशन बना के माइनस से मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने आपको परफेक्ट इक्वेशन बनाना सिखाया था, अभी हमें इसका क्या करना है, परफेक्ट इक्वेशन बनाना है। ओके, तो देखो परफेक्ट इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं इसका। इसे इक्वेशन अभी फ़िलहाल के मान लो 1, तो सबसे वही चीज़ यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 लिख दिया। अब देखो x को लिख सकते हैं ये हमारे 6x, ये माइनस 7 इक्वल टू 0, तो ये 2ab के डम है। 2ab हमारे पास 6x है, a के प्लस पे हमारे पास x है, 3 बार जाएगा तो b हमारे पास कितना है, 3। यानी कि आपको क्या करना होता है, बी स्क्वायर ऐड और बी स्क्वायर माइनस करना है। बी स्क्वायर यानी कि 9, एक बार ऐड किया एक बार माइनस किया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो परफेक्ट इक्वेशन है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। और 9 और 7 कितना हो जाएगा, माइनस के 16, यानी कि एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो अब रख दो यहाँ पर, लेकिन माइनस भी है ये ध्यान रखना है, यानी कि जो नेगेटिव का है वो पॉजिटिव का हो जाएगा, जो पॉजिटिव का है वो नेगेटिव का हो जाएगा। ये चीज़ है, यानी कि फ्रॉम लिख दे रहे हैं यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट, तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन है, ये एक्स के भांति बिहेव करेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना इंटीग्रेशन का और सॉल्व कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, ए कितना है 4 प्लस सी, आंसर ये आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास ये है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर फैक्टर बने हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास फैक्टर क्या बन जाएंगे, देखो फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस की 2x, यानी माइनस की 3x हो जाएगा, एंड माइनस 1 माइनस 2 प्लस का 2, ये हमारे पास पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो आपको फिर से तरीका बताइए, आपको क्या करना है, परफेक्ट इक्वेशन बनानी है, इसका परफेक्ट इक्वेशन बनाना, जैसे मैंने अभी आपको सिखा रखा था ना, परफेक्ट इक्वेशन बनाते हैं। तो जब आप इसका परफेक्ट इक्वेशन बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और इधर मिल जाएगा 1/2 का स्क्वायर। परफेक्ट इक्वेशन बनाना आपको सिखा रखा है मैंने, तो आई होप आप कर ही लेंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला होना चाहिए, लॉग एक्स आता है एक, फिर क्या जाता है प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि यही चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलना तो यही है, तो डायरेक्ट यही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस सी, आंसर यही छोड़ दो। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 की तरह क्वेश्चन नंबर 14 है, इसे मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। ओके, आप मेरे को होमवर्क के लिए मैंने छोड़ा है, आप मेरे को कमेंट करके आप अपना आंसर ज़रूर बताना। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के छोड़ रहा हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए भी एक आध क्वेश्चन बचा रहे। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको होमवर्क दिया, अब आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 में। देखो क्वेश्चन नंबर जो अभी हमने 13 किया था बिल्कुल डिक्टो वैसा है, बस नंबर के प्लस पे इन्होंने ए और बी लिख दिया है, और बच्चे इसे लिख के डर लग जाते हैं। सो डरने की कोई बात नहीं है, प्रोसीजर वैसे ही है जैसे अभी हम अब तक हम करके आ रहे हैं। सबसे पहले एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और अब जब मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो माइनस कॉमन ले लोगे, अंदर से आ जाएगा ए प्लस बी एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ए बी। मल्टीप्लाई करके देखना आपको ये मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आपको क्या करना है, परफेक्ट इक्वेशन बनाना है। चलो इसको मैं बना के दिखाता हूँ परफेक्ट इक्वेशन ढंग से। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर
माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू जीरो मान लो। एक्स का स्क्वायर यानी कि हमारे पास ए के प्लस पे क्या है एक्स है और टू ए बी के टर्म पे क्या है साइन को हम नहीं देखते हैं ठीक है। टू ए बी के टर्म पे क्या है ए प्लस बी एक्स रखो यहाँ पर, ए के प्लस पे क्या है एक्स है रख दिया और यहाँ पर भी है तो यहाँ पर कैपिटल बी मान लो आप, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर ए प्लस बी एक्स है, एक्स एक्स करना यानी कि बी हमारे पास क्या है ए प्लस बी बाई टू। अब हमें क्या करना है बी स्क्वायर को ऐड करना होता है, बी स्क्वायर को माइनस करना होता है। यहाँ नहीं आ पाएगा तो यहाँ लिख देते हैं ये जो बी स्क्वायर, देखो हमने बी स्क्वायर किया और ए बी, अब उसके बाद क्या करना है बी स्क्वायर माइनस, ये माइनस कर दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का टर्म तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है यानी एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू ठीक है। और इन यहाँ से लेकर इसको फिर से अब सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मिलेगा ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर ठीक है। ये चीज़ हमें मिली तो देखो ये एक्स है और ये कॉन्स्टेंट का टर्म पे है और ये भी कॉन्स्टेंट है। सो गिवन इंटीग्रेशन हमारा चेंज होकर क्या हो जाएगा, सो फ्रॉम फर्स्ट मान लो, फ्रॉम फर्स्ट से हमें क्या मिल जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में हमारा क्या है अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई टू का स्क्वायर। तो यानी कि ये पूरा x की भांति बिहेव करेगा और ये a के टर्म, तो फार्मूला बन गया फिर से है ना, फार्मूला बन गया फिर से। लगाओ फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, अभी मैंने आपको बताया था log मॉडुलस के अंदर x और x के प्लेस पे ये है फिर प्लस अंडर रूट। देखो ये सारा चीज़ जो हमने सॉल्व किया है पता है अंदर क्या आता है, जो सॉल्व करने पे आता है सॉल्व मतलब यही चीज़ आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रखना है आपको, यही चीज़ रखना है। इससे अच्छा क्या करो डायरेक्ट यही रख देते हैं क्योंकि यही चीज़ आपको मिलने वाला है सॉल्व करने के बाद, तो मैं यही रख देता हूँ। और ये चीज़ सॉल्व करके कहाँ से मिली है, ये मिली है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी आपका आंसर ठीक है। ये चीज़ आ गई, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ फार्मूला आपको याद आना चाहिए, बिना फार्मूला के देखो इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगी। फार्मूला अगर आप सोचेंगे कि नहीं अभी नहीं बाद में याद कर लेंगे तो वो बाद कभी नहीं आएगा ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16 भी आ जाते हैं, मस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, देखो जरा ढंग से देखो। इसका डेरिवेटिव 4x मौजूद है, x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है और माइनस 3 0 होता है, यानी कि इसको लेट करने से हमें डेरिवेटिव पूरा पूरा मिल रहा है। लेट 2x स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू टी, डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ तो यहाँ से आ जाएगा पहले 2 सामने आ जाएगा 2 इंटू 2 फोर एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 3 का 0 और यहाँ से डी एक्स इधर क्या जाएगा डी टी, यानी इसकी जगह पे क्या रखना है डी टी। सो गिवन इंडिकेशन चेंज होगी क्या हो जाएगा, ऊपर डी टी नीचे अंडर रूट टी क्योंकि इसके प्लेस पे हमने टी लेट किया है तो टी। अब अंडर रूट टी का मतलब होता है पावर में हाफ, नीचे पावर में हाफ है ऊपर जाके क्या हो जाएगा पावर में माइनस का हाफ। इंडिकेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा टी की हाफ, ये चीज टी की वैल्यू रख देंगे ये टू पर आ जाएगा, टी की वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर x माइनस 3 अपा ऊपर क्या है हाफ प्लस सी आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आ गया आपको ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अब ऐसे ही प्रॉब्लम अभी हमने तो थोड़ी देर पहले किया था ठीक है, तो क्या करना है अलग अलग लेना है x अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx
टू बाहर आ जाएगा dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये हमारा आई वन मान लेना, इसको आई टू मान लेना। देखो इसको लेट करने से यहाँ डेरिवेटिव मिल रहा है, और ये तो पूरा फॉर्मूला है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन को ले सकते हो ए स्क्वायर। क्लियर कर सकते हैं ना? तो इसको आप खुद से सॉल्व करना, पूरा तो मैंने कर ही दिया है, अब थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन ही बाकी है। ये भी छोड़ दे रहा हूँ मैं आपके लिए होमवर्क, क्योंकि मैं वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता, ठीक है? एक आध क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन है वो ही मैं आपको छोड़ रहा हूँ, बाकी तो मैं खुद ही कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 से हमारा सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आई थिंक बोर्ड में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 18 से बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एनसीईआरटी में वो एक ही तरीके के हैं, ठीक है? वो आपका क्वेश्चन कैसे पता लगेगा कि मुझे यहाँ पर ये लगाना है? देखो आपका होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। जब आपका न्यूमरेटर लीनियर होता है, लीनियर का मतलब रैखिक समीकरण हिंदी में बोलते हैं, और नीचे आपका क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी पावर 2 होती है, क्वाड्रेटिक है ना, द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं, द्विघात समीकरण। तो ऐसे प्रॉब्लम में आपको पता है क्या करना होता है, जब भी आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 18 दिखा दूँ एग्जाम्पल, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिनोमीटर में, और न्यूमरेटर में क्या है लीनियर इक्वेशन है। तो आपको इसको अलग अलग करने से भी जब करोगे या फिर लेट करके करोगे तो आप सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, ये जो न्यूमरेटर है, ये जो अंश है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो इसको हमें चेंज करना होता है, ठीक है? चेंज करना होता है, अच्छे से लिखना होता है, यानी कि एक फॉर्मूला चलता है, पहले मैं हिंदी में लिख देता हूँ फिर अंग्रेजी में भी लिखूँगा। अंश इसको होता है, यहाँ लिखते हैं ए डी वाई डी एक्स हर का डेरिवेटिव, यानी कि और यहाँ प्लस बी, यानी कि अंश को चेंज करने का तरीका फॉर्मूला। अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ, जो न्यूमरेटर होता है ए यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स और डिनोमीटर का डेरिवेटिव प्लस बी, इसका यूज़ करना होगा, थोड़ा याद कर लेना कहाँ चलता है इस टाइप की प्रॉब्लम में, ठीक? ये चीज़ पता चली। अब आ जाते हैं हम प्रॉब्लम पे, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम इस बार भी बोर्ड में आ रखा था, क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया था, सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिख रहा है आपको प्रॉब्लम किस रूप में, यानी कि आपको क्या करना होगा, यहाँ पर चेंज करना होगा। चेंज करते हैं, सबसे पहले सिंस 5x-2, ये हमारे क्या न्यूमरेटर, किसके को लगा ए डी बाई डी एक्स, यहाँ लिख जाएंगे हमारा डिनोमीटर क्या है 1+2x+3x2, और यहाँ क्या आता है प्लस के बी, हमें ए बी फाइंड करना होता है। तो यहाँ से क्या जाएगा, ए डेरिवेटिव करो 1 का 0 2, और यहाँ से क्या जाएगा 6x+b। आपको इसको एक्चुअली एक इक्वेशन मान लो सेकेंड, और ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है? ये चीज़ फाइंड करनी होती है, यहाँ मत वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पुट करना है आपको ए और बी फाइंड करना है। आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो इधर क्या है 5x-2 है, सो हमारे पास यहाँ क्या है 6x, और 2a आ जाएगा यहाँ से 6xa, एक्चुअली इसे मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ से क्या आ जाएगा 2a+b। क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयरिंग। तो कंपेयर करेंगे तो देखो 6a किसके इक्वल है 5k, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 5/6, एंड 2a+b कॉन्स्टेंट किसके इक्वल है -2k, 2a+b किसके इक्वल है -2k, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक? तो 2 3 5/3, b=-2, प्लस के तरह के माइनस का सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 6 6 5-11/3, ये मुझे b की वैल्यू मिल गई। कोई दिक्कत है, a भी मिल चुका है, b भी मिल चुका है। सो देखो आपको 5x-2 की जगह पर ये वैल्यू रखनी थी, मैंने बोला था ये रखना है। सो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए 2 6x+b अपॉन, इधर है इंटीग्रेशन, और नीचे क्या है 1+2x+3 का स्क्वायर।
bx। कोई दिक्कत नहीं है, हमें ए और बी की वैल्यू पता चल चुकी है। इंटीग्रेशन ए की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 5/6, और अंदर क्या है, 2/6x। एंड बी की वैल्यू कितनी आई है, -(11/3), वो हम यहाँ पुट कर देंगे, -(11/3)। नीचे क्या है हमारा, 1+2x+3x2। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। देखो यही तक थोड़ा काम टफ था, बाकी चीज़ें अब हमें आ गई हैं, आती हैं, क्योंकि अब हमें अलग अलग डिवाइड में ले लेना है। सो द इक्वेशन कैन बी रिटन एज 5.6 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 2+6x, 1+2x+3x2। ठीक है, इसके साथ भी ले लिया, और ये इसके साथ भी ये चीज़ आ जाएगी, यानी कि -(11/3) बाहर। इंटीग्रेशन dx/(1+2x+3x2)। इसे आप समीकरण इक्वेशन नंबर ए मानो, और इसे आप I1 मानना, इसे आप I2, और इसको सॉल्व करना है। फिर हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी है, कैसे करनी है अभी हम देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम I1 ले लेते हैं। I1 हमारे पास क्या है, इनटू में 5/6 है, वो उसे रख दीजिए, या आप चाहते हैं तो पूरे को भी साथ में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पूरे को ही साथ में ले लेते हैं। अब आप देखिए, नीचे अगर लेट करूँ तो ऊपर पर डेरिवेटिव में मिल रहा है, कैसे, देखिए लेट कुछ टी लेट कर लो वेरिएबल नया, और डेरिवेटिव करूँ तो dt/dx इधर लिख दो, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का 2, और यहाँ से क्या जाएगा, 6x। देखो पूरा मिल रहा है, 2+6x dx, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 5/6 इंटीग्रेशन, ऊपर आ जाएगा dt, नीचे क्या माना है, टी। ठीक है, तो यही फ़ायदा होता है इस मेथड का, कि एक टर्म को लेट करने से दूसरा मिल जाता है, और दूसरा जो फैक्टर बनता है ना, उसमें हमेशा ऑलवेज दूसरे फैक्टर में ऑलवेज जो अलग कर गया था कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, और नीचे जो बचता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका हमें परफेक्ट इक्वेशन बनाना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में यही फॉलो होता है, कि एक फैक्टर में ऐसा मिलेगा जिसको मैं नीचे लेट करूँगा तो ऊपर मिल जाएगा, और दूसरे फैक्टर में ऐसा आएगा कि आपको सिर्फ परफेक्ट इक्वेशन बनाना है, और फिर फॉर्मूला बना कर सॉल्व कर देना है। dt/dx यानी कि log t मॉडुलस के अंदर वैल्यू पुट कर दो, log t की वैल्यू हमने क्या माना था, ये c अभी नहीं रखना है, ठीक है, इंटीग्रेशन पूरा ख़त्म हो तब रखो c। इक्वेशन इसे क्या मान लो, b मान लो। अब पहले पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, ये वैल्यू लास्ट में आपको यहाँ रखनी है। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, ये वाला I2 को, ठीक है। अब हम I2 पे आ जाते हैं, देखिए I2 लेते हैं, अब हम -(11/3), ये तो बाहर है, ऊपर है बस dx, नीचे 1+2x/3x2। देखिए परफेक्ट इक्वेशन बनना सीख लीजिए ढंग से, क्योंकि मैं नेक्स्ट के क्वेश्चन में परफेक्ट इक्वेशन का टर्म, क्योंकि वो टाइम खाता है, और आपको सिंपल चीज़ें वो आपको आती होंगी, तो मैं बार बार नहीं बोलूँगा, मैं डायरेक्ट लिख दूँगा। तो आप अभी इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे हमने बहुत सारे कर लिए हैं ना। तो सबसे पहले 3x²(2x+1)=0, हमेशा देखो x को अकेला रखो, 3 है ना, तो जो भी कॉन्स्टेंट होगा एक्स स्क्वायर के साथ उसको आप डिवाइड कर दो टोटल में। तो यहाँ पर हो जाएगा x², 3 से डिवाइड किया, यहाँ पर हो जाएगा 2/3x, और यहाँ से हो जाएगा 1/3। यहाँ पर देखो x² अकेला है, यानी कि हमारे पास a के प्लेस पे x का टर्म है, x है, और जो x के साथ जो होता है सिंपल x, वो हमारे पास का टर्म होता है 2ab का, 2ab के प्लेस पे हमारा 2/3x। a के प्लेस पे x पुट करो, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b की, कट, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। अब आपको क्या करना होता है, इस इक्वेशन में b² को ऐड करना होता है और b² को माइनस करना होता है। सो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, b² को ऐड किया, और यहाँ पर क्या, 1/3 माइनस b² यानी कि 1/9, है ना, ये ऐड किया, ये माइनस किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाता है एक परफेक्ट इक्वेशन, यानी कि a+b का होल स्क्वायर, a और ये b होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, 1/3 और यहाँ 1/9 है,
एलसीएम कितना आ जाएगा? नहीं नहीं देखो क्या आ जाएगा, 3 3 9 यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ 1, यानी कि एक्स प्लस 1/3 का स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2, यानी कि अंडर रूट 2/3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। परफेक्ट इक्वेशन के रूप में बना दी। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, I2 हमारा चेंज होगी माइनस की 11/3 dx अपॉन, इसकी प्लेस पे क्या रखना है, ये आया ना सॉल्व करने के बाद, x प्लस 1/3 स्क्वायर अंडर रूट 2/3 स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको फॉर्मूले से हमें क्या करना है, खोल देना है। फॉर्मूला आपको पता ही होगा ये क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, कुछ यहाँ पर देखो प्लस था तो मैंने यहाँ माइनस लिख दिया था, सो ये प्लस का ही है, तो ये बन गया आपका फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फार्मूला। माइनस के 11/3 तो है ही है, फार्मूला क्या होता है 1/a, 1/a कितना है देखो अंडर रूट 2/3, फिर क्या होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स, एक्स क्या हमारे पास एक्स प्लस 1/3, ये एक्स की बात ही व्यवहार करता है, अपॉन ए रूट 2/3। ठीक है, 3 से 3 कट, सो यहाँ आ गया माइनस के ये चीज़ 10 इनवर्स, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा 3, एंड इसको सॉल्व कर लो 3x+1/3 और नीचे से ये रूट 2, तो इस 3 से आप इस 3 को कट कर दो, सो आ जाएगा माइनस के 11/√2 10 इनवर्स 3x+1/√2। ठीक है, दोनों के वैल्यू निकल गए, इसे आप इक्वेशन नंबर सी मान लो। तो I2 की वैल्यू में मिल चुकी है, ये I2 है, और इससे पहले हमने I1 निकाला था, ये I1 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे और I2 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सारे क्वेश्चन ऐसे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में, इसका भी नेचर वैसे ही क्वेश्चन है, क्योंकि देखो ऊपर तो लीनियर इक्वेशन है, dx लिखा नहीं मैंने, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। सो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, आपको इसमें एक ही चीज़ डिस्टर्ब कर रही होगी, ये अंडर रूट। देखो इसका भी मैं आपको फंडा समझा देता हूँ, अभी पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 4x यानी कि माइनस के 9x एंड 5 को 20 प्लस के 20, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब जो क्वेश्चन अभी हमने किया था उसका नेचर और इसका नेचर बिल्कुल सेम है, बस ये अंडर रूट है। तो देखो ये चीज़ हमें डिस्टर्ब कर रही है ना, तो लिखने का तरीका वही हो जाएगा फिर से, सिंस आंसर जो हमारा है, न्यूमरेटर जो है हमारा 6x+7 क्या होता है, ए डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर, तो अंडर रूट नहीं लेना है, सिर्फ सिंपल के जो रूट के अंदर है उसको लेके चलना है, ये आपके मन में एक डाउट था आई थिंक। ठीक है, अब सॉल्व करो, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x-k9+kb, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है 6x+7 की प्लेस पे ये वैल्यू रखी जाती है। ठीक है, जो ये 6x+7 है उसकी प्लेस पे ये वैल्यू रखी जानी है, और ए और बी हमारे पास अननोन है अभी, और इन्हीं को फाइंड करना है। बाकी का प्रोसीजर पूरा डिक्टो सेम है जैसे प्रीवियस हमने किया था, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को डिटेल में कर रहा हूँ। फिर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से 6x+7 तो यहाँ से आ जाएगा 2ax और यहाँ से आ जाएगा प्लस के बी माइनस के 9a एक साथ, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है। कंपेयरिंग करोगे बोथ साइड, कंपेयरिंग करो तो यहाँ से देखो 2a के प्लस पे क्या है 6, यानी a की वैल्यू कितनी है 3, एंड b माइनस 9 a के प्लस पे कितना है 7, और a की वैल्यू कितनी है 3, तो 9 × 27 = 7, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 उधर जाएगा 27 और 7 34,
सो बी की वैल्यू कितनी आ गई 34। ठीक है, ये चीज़ हो गई, ए और बी दोनों मिल चुके हैं हमें। अब मैंने बोला था 6x+7 की जगह पर आपको ये रखना होता है, तो रख देते हैं। यहाँ से क्या जाएगा इंटीग्रेशन 6x+7 ए, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x-9+b अपॉन नीचे जो होता है वही रूट के अंदर कितना था x²-9x20। ए और बी की वैल्यू मिल चुकी है और साथ ही साथ अलग ले लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी ए, ए की वैल्यू कितनी आई थी 3, तो 3 कांस्टेंट बाहर रखो। ठीक है, ऊपर क्या है 2x-9 dx अपॉन में क्या है अंडर रूट x²-9x20 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 34, इसको बाहर रखो 34, अंदर क्या है dx, अंडर रूट के अंदर क्या है x²-9x/20। ये हमारा इंटीग्रेशन है, इस वाले टर्म को i1 मान लेते हैं और इसको i2, इक्वेशन नंबर ए बोल देते हैं। क्लियर, अब इसको सॉल्व करना है। देखो इसको डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसको लेट करने से ये मिल रहा है, और इसको मुझे क्या करना है परफेक्ट इक्वेशन बनाना है जैसे हम करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं i1, ठीक, लेट टी लेट कर लो x²-9x+20 डी टी, x² डेरिवेटिव क्या था 2x, 9x का 9 मिल गया पूरा, सो 3 बाहर था, इसके जगह पे क्या जाएगा डी टी, और इसको आपने क्या माना है अंडर रूट के अंदर टी, ऊपर जाएगा, हाँ अंडर रूट का मतलब प्लस के हाफ होता है पावर में, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस के हाफ डी टी, इंटीग्रेशन करोगे 3t^-2+1 सो ये आ जाएगा 3t^2, नीचे से भी बचेगा हाफ, यानी कि 2 ऊपर चल जाएगा 6t^2 है। टी आपको क्या माना है अपने x²-9x+20^2, ये हमारा i1 है। ठीक है, ये हमारा i1 आ चुका है। अब ठीक है, अब किसको सॉल्व करना है i2 को, करते हैं सॉल्व। i2 ले लो, i2 हमारे पास है 34 dx अपॉन अंडर रूट x²-9x+20। देखो अब मैं परफेक्ट इक्वेशन नहीं करूँगा, मैंने आपको सिखा रखा था प्रीवियस कैसे करते हैं, वैसे ही अप्रोच रखना आराम से मिल जाएगा, क्योंकि मैं करूँगा तो टाइम वेस्ट होने वाला है, इससे अच्छा आप कर लेना। देखो जो आएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ परफेक्ट इक्वेशन करने के बाद जो आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, परफेक्ट इक्वेशन जब हम कर देंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा x-9/2 2² - 1/2². ये एक्स के प्लेस पे है, ये ए के प्लेस पे है, और आपको फार्मूला पता ही है कौन सा लगाना होता है हमें इसका, फिर भी लिख देता हूँ एक बार फार्मूला dx/√x²-a² का जो फार्मूला होता है वो होता है log मॉडुलस के अंदर x+√x²-a² और x के प्लस से हमारे पास क्या है x-9/2, ये ध्यान रखना है 34 टोटल के बाहर, log x के प्लस पे x-9/2 अंडर रूट। देखो इस चीज़ को जब आप सॉल्व करोगे, ये चीज़ ये x²-a² आपको क्या मिलने वाला है ये चीज़, तो डायरेक्ट यही रख दो, एक स्टेप्स आपको कम करना पड़ेगा आंसर। तो ये हमें i2 भी मिल चुका है, i2 मिल चुका है, इससे पहले हमने क्या निकाला था i1, i1 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, i2 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो तो मैं अभी आपको आपके सामने सॉल्व करूँगा अभी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 21 जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया ना रूट वाला, डिक्टो वैसा है, दिख रहा है ना आपको ऊपर लीनियर इक्वेशन नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये अंडर रूट है,
सेम प्रोसेस से आपको डिक टू सेम धीरे धीरे से आपने जैसे मैंने सिखाया है आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आप खुद से नहीं करेंगे ना, जब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो ये 21 नंबर क्योंकि मैं कराऊंगा तो वीडियो लंबी बननी है, वही प्रोसीजर है, उसी चीज़ को मैं बार बार रिपीट करूँगा, क्या फ़ायदा। आपको मैंने प्रोसेस सिखा दिया, इसको आप खुद से सॉल्व करना प्लीज़। अगर फिर भी दिक्कत आती हो तो मेरे को बताना, कमेंट करके फिर मैं वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको खुद से करना है, क्वेश्चन नंबर 23 भी आपको खुद से करना है, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है, फिर डिजिट बदल रहे हैं, सिर्फ डिजिट बदल रहे हैं लेकिन करने का तरीका तो वही है ना। और क्वेश्चन नंबर 22 इसको भी आपको उसी तरीके से करना है, ऊपर लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तीन क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, इसीलिए मैं कराना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी बन जानी है खाली मुड़ी। तो इन तीनों क्वेश्चंस को मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ करना, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करना और मेरे को आंसर ज़रूर बता देना कमेंट करके। अगर इन तीनों में कोई भी दिक्कत आ रही हो, नहीं हो पा रहा बाई चांस, तो मेरे को बताना, मैं इनकी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। और अभी से वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़, और आपको जो भी वीडियो चाहिए होगा ना कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको वो वीडियो विद इन अ वीक के अंदर प्रोवाइड करा दूँगा। और आप मेरे को सोशल मीडिया लिंक्स पर ज़रूर फॉलो करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा, वहाँ पर भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 20 मैंने होमवर्क नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा लगे, लेकिन इसका नेचर भी वैसे ही क्वेश्चन की तरह है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सॉल्व करवा देता हूँ क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। अब देखो इंटीग्रेशन है, ऊपर है x प्लस 2 dx, आपको क्या करना है, अंडर रूट है, आपको क्या करना है। अभी तो इसको हमें कोई दिक्कत नहीं करेगा अभी, लेकिन बाद वाले में, अभी देखो कोई दिक्कत नहीं करना है। चलिए सबसे पहले क्या करना होता है, इसको चेंज करना होता है न्यूमरेटर को, सिंस इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, जब परफेक्ट इक्वेशन बनाना होगा ना तब मैं आपको बताऊँगा इसमें क्या करना है। अभी देखो एक्स प्लस 2 इसको हम लिख सकते हैं a d बाई डी एक्स, यहाँ से डिनोमीटर यानी कि 4x माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस का b, तो यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 2x, ठीक है, प्लस b, क्लियर। ये चीज़ हमें मिल चुकी है, अब देखो क्या करना है। अब ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन अब देखो ए और बी की वैल्यू में तो फाइंड करनी है, क्या करेंगे, यहाँ से देखो क्या ये वैल्यू आपको चाहिए होती है, तो यहाँ से आपको मिलना है 4a माइनस के b एंड 2ax और इधर है x प्लस 2। कंपेयर कर दोगे आप, जब आप कंपेयर करोगे तो माइनस 2a के प्लेस पे क्या है, देखो 1, यानी कि a की वैल्यू है आपके पास माइनस 1/2, ठीक है। एंड b के पास क्या है, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी b, यानी कि यहाँ से देखो आपको b चाहिए, यानी कि ये कॉन्स्टेंट टर्म की तुलना करोगे इससे, यानी कि 4a माइनस b किसके इक्वल है 2 के, a के प्लस वैल्यू पुट करोगे 4, ये चीज़ 2 माइनस b 2 उधर जाएगा, माइनस बी की वैल्यू क्या जाएगी प्लस के 4, यानी कि बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 4, ठीक है। अब हमें वैल्यूज पुट अप करनी है, ठीक, तो क्या होगा देखो, इंटीग्रेशन आपको चेंज करना है, सो गिवन इंटीग्रेशन एक्स प्लस 2 को आपने तोड़ के कैसे लिखा है, ए 4 माइनस 2x प्लस बी, नीचे क्या है अंडर रूट के अंदर 4x माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको जब हमने सॉल्व किया, a की वैल्यू हमें कितनी मिली माइनस के 1/2, 4 माइनस के 2x अंडर रूट 4x माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आ गई। और प्लस b कितना मिला था हमें माइनस के 4। अब आपको क्या करना होता है, अलग अलग लेना होता है इंटीग्रेशन में, इसके साथ में ये लेना है और इसके साथ में ये लेना है, माइनस 1/2 रखा इंटीग्रेशन 4 माइनस 2x अपॉन रूट 4x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx,
यहाँ जाएगा रूट 4x माइनस के एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये चीज़ हो गया। अब देखो इसको लेट करने से ये पूरा पूरा मिल रहा है, 4x का 4 एक्स स्क्वायर 2x, तो यानी कि क्या हो जाते हैं 1/2, इसको t मान दे वो तो आप क्या मिलेगा इंटीग्रेशन, ऊपर आ जाता है dt, नीचे आ जाता है √t। ठीक, ये चीज़ आ जाती है। और ये तो आपको फार्मूला है, फार्मूला बनाना है आपको, परफेक्ट इक्वेशन बनाना है। ये चीज़ अभी हम करेंगे, जो चीज़ हो रही है उसको पहले सॉल्व कर लो। तो √t ऊपर जाके क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस हाफ dt। ये तो वैसे वैसे ही अभी फ़िलहाल लिखो, क्योंकि सॉल्व नहीं कर रहे इस टर्म को अभी फ़िलहाल। यहाँ से क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस हाफ प्लस वन, माइनस हाफ प्लस वन, और यहाँ से माइनस फोर डी एक्स अपॉन फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2 बचेगा, 1/2 t की पावर माइनस 1/2 प्लस वन हाफ बचेगा, और यहाँ से भी हाफ बचेगा, हाफ से हाफ कैंसिल। यहाँ से 4 डी एक्स अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इस तरफ क्या करोगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, टी की वैल्यू रख देनी है। टी हमारा क्या था, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ रख दो, सो ये आ जाएगा 4x माइनस के एक्स स्क्वायर हाफ। अब बस आपको इस टर्म को सॉल्व करना है, और मैंने आपको सिखा रखा है इस टर्म में क्या करते हैं, इसका कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट इक्वेशन कैसे करेंगे, सपोज़ करो इक्वेशन 2 है और इसको आप I1 मान दो, और I1 को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। I1 क्या है हमारे पास, dx अपॉन, देखो पहले क्या करना है, माइनस बाहर निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, इसको सॉल्व करो। देखो हमारे पास 2ab के टर्म में कितना है, 4x है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर यानी a के प्लस पे कितना है, x है, 4x काटोगे तो 2x 2 जा, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। अब यहाँ पर मेरे को b स्क्वायर ऐड करना होता, और b स्क्वायर माइनस माइनस के 4x, b स्क्वायर ऐड किया, b स्क्वायर माइनस किया, तो यहाँ से स्क्वायर बन गया परफेक्ट स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर ये चीज़ बन गया। यहाँ रखो, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है तो जो नेगेटिव का है वो पॉजिटिव का हो जाना है अंडर रूट के अंदर, यानी कि 2 स्क्वायर, और ये जो प्लस का है वो नेगेटिव का हो जाना है। ठीक, अब यहाँ पर क्या बन गया, फार्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, और ऐसे तो मैंने आपको सिखा रखा है। ठीक, ये किसका फार्मूला बना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला। तो क्या होता है आपका, साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे क्या है देखो, एक्स माइनस टू, और ए के प्लेस पे क्या है देखो, 2 का स्क्वायर यानी कि 2। अब ये वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, यहाँ पर, और आपको आपका आंसर मिल जाना है। ठीक, आगे आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर देना अभी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी हो गए हमारे, अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, क्या करना है आप तुरंत बता दोगे कि सर इसका तो फैक्टर परफेक्ट इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो परफेक्ट इक्वेशन कैसे बनाते हैं, अभी हम करते आ रहे हैं, कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो इसका जो परफेक्ट इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, और ये किस फॉर्मूले के रूप में है आपको दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में है ना, एक्स के प्लस पे ये और ए के प्लस पे ये, क्या होता है फॉर्मूला, 1/a एन इनवर्स एक्स अपॉन ए के प्लस पे 1 है, यानी कि ये आ जाएगा 1/1 यानी कि 1 ही रहेगा, टेन इनवर्स एक्स की जगह पर क्या है, एक्स प्लस 1 ए की जगह पे 1 प्लस सी यानी कि टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 प्लस सी आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऊपर कुछ नहीं है, इसको आपको क्या करना है, परफेक्ट इक्वेशन बनाना है। सबसे पहले क्या करते हैं, आपको मैंने अभी बता रखा था, अभी जस्ट किया, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, माइनस कॉमन लेना है यहाँ से, क्या करना है, 4x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा,
माइनस के नाइन एक्स। ठीक है, तो परफेक्ट इक्वेशन बनाने के लिए इसको इक्वेशन वन मान लो, फोर एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स लेके चलते हैं। फोर एक्स को इंडिपेंडेंट रखना होता है तो फोर से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर नाइन बाई फोर इक्वल टू जीरो। ये किसका टर्म होता है, टू ए बी का। टू ए बी हमारे पास है नाइन बाई फोर एक्स, और एक्स स्क्वायर यानी ए हमारा कितना होता है, एक्स होता है, तो टू एक्स बी नाइन बाई फोर एक्स। तो एक्स एक्स काटा बी के प्लस पे क्या जाएगा, टू फोर जा एट, तो बी के प्लस पे क्या आएगा, नाइन बाई एट। अब इस टर्म में आपको क्या करना होता है, बी स्क्वायर को ऐड करना होता है, बी स्क्वायर को माइनस करना होता है। सो एक्स स्क्वायर नाइन बाई फोर एक्स, बी स्क्वायर को ऐड किया, ठीक है, और बी स्क्वायर को माइनस किया। यहाँ से यहाँ तक बनता है परफेक्ट इक्वेशन, यानी x माइनस नाइन बाई एट, क्योंकि माइनस का एक टर्म आ जो वैसे नाइन बाई एट। ठीक, चूँकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो जो माइनस का है उसे प्लस लिख देना और जो प्लस का है उसे माइनस का लिख देना। ठीक, ये चीज़ हो जाएगी। सो देखो, गिवन इंटीग्रल चेंज होकर क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन अंडर रूट, वैल्यू पुट करना है जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, नाइन बाई एट का स्क्वायर, एंड यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस नाइन बाई एट का होल स्क्वायर। फार्मूला बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि फार्मूला किसका होता है, ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का। एक्स की जगह पर क्या है, एक्स माइनस नाइन बाई एट अपॉन ए क्या है, नाइन बाई एट। ठीक है, इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं और आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एट एक्स माइनस नाइन अपॉन एट, नाइन अपॉन एट, एट से एट कटा, यानी कि साइन इनवर्स एट एक्स माइनस नाइन अपॉन नाइन प्लस सी, इंटीग्रेशन का नाम सी जोड़ दिया आंसर। सो आई होप आपको वीडियो का सारा कॉन्सेप्ट, सारे वीडियो समझ में आए। कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं किए जानबूझ के, मैंने आपके लिए छोड़ा है होमवर्क, ठीक है, तो उसको ज़रूर ट्राई करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हो तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद। अगर नोटिफिकेशन बेल नहीं प्रेस करोगे तो मेरी वीडियो मैं कब अपलोड करूँ आपको पता ही नहीं चल पाएगा, ठीक है, तो वो ज़रूरी है।